दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 31 जनवरी 2023 मंगलवार। एक बार फिर से माप के लिए आज की 7 विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए भी यहां पर आवेदन करने का सुनहरा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, इंडियन नेवी भारतीय नौसेना में बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। 10वीं पास के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है सभी भर्तियों का और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। शिक्षा विभाग में भी 9000 से अधिक बम्पर वैकेंसी यहाँ पर निकली है। एयर इंडिया में भी सीधी भर्ती की अपडेट आ चुकी है, बिना एग्जाम की भर्ती है। शिक्षा विभाग में यहाँ पर आप देख सकते हो बम्पर बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत और भी अन्य विभागों में बड़ी भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। आवेदन प्रक्रिया आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको साथ ही साथ ये भी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं 31 जनवरी 2023 की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना के अंतर्गत भर्ती है। ट्रेड्समैन स्किल्ड की यहाँ पर पोस्ट है। 248 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंतर्गत, उस यहाँ पर उस डेट में पब्लिश होने से 3 दिन बाद इसकी स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने से 28 दिन बाद तक इसकी लास्ट डेट होगी। 19,900 से 63,200 सैलरी है प्रति माह के लिए। 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल की अगर बात की जाए तो अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹205 फीस है। SC ST EX सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपे क्रेडिट, डेबिट कार्ड और UPI से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान में, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। असिस्टेंट टीचर Level 1 और Level 2 की पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक के लिए 9712 बम्पर वैकेंसी जहां पर निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 31 जनवरी 2023 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 मार्च 2023 है। 16,900 से 29,600 सैलरी है प्रति माह के लिए। डिग्री BEd DLED से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो जनरल या OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 फीस है। EWS के लिए ₹70 फीस है। SST के लिए ₹60, जो कि आप ईमित्रा CSC सेंटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। education.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जहां पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में, एयर इंडिया के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बात अगर यहाँ पर इसमें पोस्ट डिटेल की जाए तो यहाँ पर पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर,
हैंडीमैन, हैंडी वोमैन, हैंडीमैन क्लीनर्स, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिस टेक्निकल और जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की 166 वैकेंसी जहां पर इसमें टोटल निकली है। बात अगर डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड करना होगा। वॉकिन इंटरव्यू की डेट 7 से 13 फरवरी 2023 है। सेली कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 21,300 है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट एंड रैंप ड्राइवर के लिए 19,350 है। हैंडी वोमैन, हैंडीमैन क्लीनर्स के लिए 17,520 है। ड्यूटी ऑफिसर के लिए 32,200 है। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर के लिए 25,300 है प्रति माह के लिए। 10वीं 12वीं पास और डिग्री धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 28 वर्ष है, ओबीसी के लिए 31 वर्ष है, एसएसटी के लिए 33 वर्ष है और जो ड्यूटी ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए मैक्सिमम 50 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस अदर कैंडिडेट के लिए 500 है। एसएसटी एक सर्विसमैन को फीस जमा नहीं करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है। इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। AIASL.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकले तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट में। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर, फिजिकल डायरेक्टर, लाइब्रेरियन की पोस्ट है। 544 वैकेंसी जहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2023 है। आज ही से आवेदन इसके लिए भी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 20 फरवरी 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 20 फरवरी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है, इसलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। डिग्री और पीजी डिग्री धारक कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। प्रत्येक कैंडिडेट के लिए 320 रुपये फीस है। अनएम्प्लॉयज को फीस जमा नहीं करनी होगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। तेलंगाना जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। tspsc.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। जूनियर रेजिडेंट की भर्ती है। 180 वैकेंसी जहाँ पर निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 26 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 15 फरवरी 2023 है। रिटर्न एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है। 56,100 से 177,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। MBBS और BDS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये है, SST के लिए 708 है। PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। drrmlims.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है वेबकोस लिमिटेड में। फील्ड सुपरवाइजर की भर्ती है। 120 वैकेंसीज निकली है। इस भर्ती के लिए भी आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड करना होगा। वॉकिन इंटरव्यू की डेट है 4 से 5 फरवरी 2023। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आपको इंटरव्यू अटेंड करना होगा। सैलरी 14,000 से 17,000 है प्रति माह के लिए। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। webcos.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में। सीनियर रेजिडेंट की भर्ती है। 117 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 फरवरी 2023 है। वॉकिन इंटरव्यू की डेट 7 से 9 फरवरी 2023 है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। MBBS, MCH, MD, MS, डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 45 वर्ष है। फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट और इंटरव्यू से चयन होगा।
ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। न्यू डेली जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। BSAMCH.ac.in एच की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 31 जनवरी 2023 मंगलवार की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक आपको यहीं पर सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।